नमस्कार साथियों, आज की वीडियो मध्य प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारियों के लिए है। कर्मचारियों ने फिर दोहराया हमारी भूल कमल का फूल। तो दोस्तों, विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने रविवार को जंगी प्रदर्शन कर अभिशाप यात्रा निकाली, जिसमें प्रदेश के कई जिलों में कर्मचारियों ने हिस्सा लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध जताया। SDM बंगले के पास जहाँ पहले धरना दिया गया, वहीं पूरे शहर में पैदल मार्च भी निकाला। ये कर्मचारी सिर पर टोपी पहने हुए थे। टोपी पर मामा अपना वादा निभाओ का स्लोगन लिखा हुआ था। वही कमल का फूल हमारी भूल के नारे लगाते हुए कर्मचारी चल रहे थे। रैली के बाद SDM को CM के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। तो दोस्तों, ये वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। अगर आप पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे सभी संविदा कर्मचारियों को ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और दोस्तों, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। आपका दोस्त चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, और पास में आएगा बेल का आइकन, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। संविदा संयुक्त एकता संघ मध्य प्रदेश के बैनर तले संविदा कर्मचारियों ने द्वितीय संविदा अभिशाप यात्रा विदिशा में निकाली। इस अभिशाप यात्रा के दौरान संविदा कर्मचारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश की भाजपा सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में वोट न देने की खुली चेतावनी भी दी। इस प्रदर्शन में शामिल हुए संविदा कर्मचारियों से जुड़े संगठनों के पदाधिकारियों का कहना था कि प्रदेश में 1,80,000 से अधिक संविदा कर्मचारी हैं, जिनके परिवार आगामी चुनाव में बड़ा उलटफेर करने में सक्षम है। बताया गया कि संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण व स्थायी किए जाने की मुख्य मांग को लेकर पूर्व में 42 दिन तक हड़ताल की गई थी। इसके बाद CM आश्वासन मिलने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर प्रदेश के जिलों में अभिशाप यात्रा निकाली जा रही है। वहीं आज़ादी के पर्व पर मनाएंगे गुलामी दिवस, बांटेंगे लॉलीपॉप। संविदा संयुक्त एकता संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश भर के संविदा कर्मचारियों की मांगों को लेकर 15 अगस्त को बड़ा प्रदर्शन होगा। 15 अगस्त को संविदा कर्मचारी गुलामी दिवस मनाएंगे, साथ ही आज़ादी के दिन तिरंगा झंडा आम लोगों की वितरित किए जाएंगे। विद्यार्थियों को 15 अगस्त के दिन लॉलीपॉप देकर प्रदेश के मुखिया का वादा खिलाफी को लेकर विरोध जताया जाएगा। इन जिलों से आए संविदा कर्मचारी धरना प्रदर्शन एवं अभिशाप यात्रा में विदिशा जिले के अलावा भोपाल, सीहोर, सागर और रायसेन जिले के संविदा कर्मचारी शामिल हुए। अखिल भारतीय संविदा कर्मचारी महासंघ प्रदेश संयोजक अजय तिवारी, मनरेगा प्रदेश अध्यक्ष गुलाब सिंह अहिरवार आदि शामिल हुए। SDM बंगले से निकाली गई अभिशाप यात्रा ओवरब्रिज होते हुए नीमताल, अस्पताल रोड, माधवगंज, मुख्य बाजार, तिलक चौक से होते हुए वापस धरना स्थल पर पहुंचकर समाप्त हुई। साथियों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी संविदा कर्मचारियों को ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और इसी अपने विचार कोई मन में हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो।